जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर बहस छिड़ गई है। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान देश की बढ़ती आबादी को लेकर दिया था। उन्होंने जनसंख्या असंतुलन को चिंता का विषय भी बताया था। इस बयान को मजहबी रंग दिया गया। इसे लेकर बढ़ती बहस के बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। नकवी ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है, इसे धर्म और जाति से जोड़ना ठीक नहीं है। वही आबादी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर छिड़ी बहस के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है। बीजेपी नेता ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की समस्या है। उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बता दें, मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बारे में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने हाथ जोड़कर लिखा है, बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति और धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर छिड़ी बहस के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी राय जताई है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी ने जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति में ना पैदा हो जाए। वहीं सीएम योगी बोले थे कि हम सभी जानते हैं कि बीते 5 सालों से देशभर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ और आरोग्यता की स्थिति को प्राप्त कर सके। योगी के इस बयान के बाद बहस सी छिड़ गई है। इसे मजहबी रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। 2023 के दौरान भारत आबादी के लिहाज से चीन को भी पीछे छोड़ देगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चौहान ने भी सोमवार को जनसंख्या कानून की पैरवी की थी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर गिरिराज सिंह ने एक वीडियो बयान जारी कर इसे ट्विटर पर शेयर किया था। बिहार में बेगूसराय लोकसभा सीट पर प्रतिनिधित्व करने वाले सिंह ने अफसोस जताया था कि पिछले 3 दशकों में भारत आर्थिक प्रगति की रफ्तार में चीन से पिछड़ गया लेकिन जनसंख्या बढ़ोतरी में अपने पड़ोसी देश से आगे निकल गया है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी का बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल में उन्होंने केंद्रीय पद से इस्तीफा दिया। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसी अटकलें हैं कि नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि ज्यादा जनसंख्या किसी भी देश के लिए समस्या होती है लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उस समस्या का समाधान हो और कैसे देश विकास के रास्ते पर जाए और उन्नति करे, साथ ही कैसे रोजगार बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार इससे भाग भी नहीं सकती है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।